ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे वंदे गुरुवरम वंदे सचम सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र सुप्रभात गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग ओम अरहम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों आज का हमारा जो विषय है विषय हमने रखा है आज दमा रोग या अस्थमा। दमा रोग या अस्थमा आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका कारण क्या क्यों दमा रोग ज्यादा बढ़ रहा है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और इसका इलाज योग और प्राणायाम से कैसे हो सकता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे और कुछ प्रयोग भी आपको बताएंगे टिप्स भी बताएंगे। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि दमा रोग क्या है। मैं आपको सबको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे दो मिनट हम आपसे पहले बात करेंगे। दमा रोग कहने से हम क्या समझते हैं सुचेता जी? दमा यानी खांसी बहुत बार बार खांसी आना कंटिन्यूटी रहना फेफड़ों में थोड़ा सा कमल जी ने हाथ में कुछ कहना चाहती है बोलिए कमल जी। हाँ दमा यानी श्वास की प्रॉब्लम जिनका श्वास बहुत ज्यादा फूलता है थोड़ा सा चलते ही श्वास भर जाता है और फेफड़े की प्रॉब्लम श्वास की प्रॉब्लम को दमा कहते हैं। अब दमा एक्चुअल में पोल्यूशन के कारण बहुत जल्दी होता है। पोल्यूशन से श्वास की घबराहट और जो इन्होंने बताया अभी कोमल जी ने वो बात तो सब सही है कि चढ़ते हुए भी जीना चढ़ते हैं तो भी दमा लग जाता है श्वास फूलने लग जाती है और बैठना ही पड़ता है या तो फिर वो पंप लेना पड़ता है। एलर्जी से भी होता है एलर्जी से भी हो जाता है एलर्जी से भी होता है कारण कई हो सकते हैं एलर्जी से कई कारण। रक्षा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई रक्षा जी आपको कुछ कहना है? दमा से रिलेटेड है मतलब श्वसन संबंधित ये रोग है या फिर हम फेफड़ों से संबंधित इसको हम कह सकते हैं। ये कई प्रकार का होता है। आज के समय में अगर देखा जाए तो छोटे से छोटे बच्चों में भी ये रोग पाया जाता है। इसके बहुत सारे कारण है। एलर्जिकल प्रॉब्लम हो सकती है प्रदूषण का कारण हो सकता है या फिर जेनेटिक भी प्रॉब्लम हो सकती है बहुत तरह का पाया जाता है। बहुत बढ़िया भी हो सकता है या फिर किसी भी जैसे पराग के कण है गेहूं वगैरह के जो निकलता है उससे भी हो सकता है किसी भी तरह। और किसी किसी को तो देखा जाता है जब हम दाल वगैरह फ्राई करते हैं तो उससे भी होता है। धूल वगैरह घरों के अंदर भी आप देखोगे जो बारीक सी डस्ट होती है उससे भी पाया जाता है ये बहुत। तो चलिए अभी हमने
ये तो जाना कि दमा जो है एक हमारे श्वास की बीमारी है, श्वास की बीमारी है, और श्वास हमारे लिए कितना जरूरी हम सब जानते हैं। तो अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन जो है ऑफ कर रहा हूं वापस, कारण आप लोगों की आवाज आएगी तो फिर डिस्टर्ब होगा। जैसा कि बहन जी ने बताया, जब दमा होता है तो हमें पंप भी लेना पड़ता है। उसको क्यों लेना पड़ता है, इसका कारण क्या है, तो इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। श्वास हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है हम सब जानते हैं, और श्वास हम नाक से भी लेते हैं और मुंह से भी लेते हैं। मुंह से भी श्वास लिया जा सकता है, श्वास से नाक से भी लिया जा सकता है, और श्वास से ही जो लेने का तरीका है नाक से ही लेना चाहिए। ये चीज भी हमें बार बार हम बताते रहते हैं। और हमारे फेफड़ों में कुछ प्रॉब्लम होती है, श्वास नली में प्रॉब्लम होती है, तो हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है। और हमें जैसा कि बताया भाई, इसका लक्षण पहले क्या होता है, खांसी, खांसी आती है, श्वास लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, खांसी आती है, दवाई ले लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो हम उसको इतना ध्यान भी नहीं देते, भाई खांसी आई थी, दवाई ले ली, ठीक हो गई। लेकिन बीमारी खत्म नहीं होती है, अंदर ही अंदर वो बढ़ती रहती है, और उसको अगर सही समय पे अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो फिर वो दमे के रूप में उभरती है। और दमा जिनको होता है वही बता सकते हैं कितनी तकलीफ होती है, रात रात भर बैठकर खांसते रहना, और श्वास लेने में अगर तकलीफ हो तो कैसा लगता होगा, आप खुद सोच सकते हैं कि श्वास के बिना हम रह नहीं सकते। और श्वास ही लेने में अगर हमें तकलीफ हो रही है तो घुटन होगी, घुटन होगी। तो इसके बारे में हम थोड़ी और बात करें, उससे पहले एक दो चित्र मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये देखिए, एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें श्वास नली और खाद्य नली, हम मुंह से खाना खाते हैं और नाक से श्वास लेते हैं, दोनों नलियां अंदर तक जाती है। श्वास नली हमारी जाती है फेफड़ों तक, और खाद्य नली हमारी जाती है पेट या बिल्कुल नीचे तक। तो ये दोनों नलियां जो है कितनी महत्वपूर्ण है, आप देख रहे होंगे, जो पीले कलर में दिख रही है वो हमारी खाद्य नली है, और सफेद रंग में दिख रही है श्वास नली। दिखाई दे रहा है आपको? तो मुंह के अंदर श्वास नली और ये यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पे हमारा दोनों जुड़ी हुई है, दोनों जुड़ी हुई है। हम जब मुंह से भी श्वास लेते हैं तो यहाँ आता है, नाक से भी लेते हैं, तो आगे जाके फिर वापस दोनों अलग अलग हो जाती है। तो देखिए, प्रकृति ने, कुदरत ने कितना सुंदर, कितनी सुंदर व्यवस्था की है कि जो हमारा भोजन होता है वो इधर से आने के बाद खाद्य नली में चला जाता है, और श्वास जो है वो हमारा श्वास नली से होते हुए फेफड़ों में आता है। ये कुदरत ने बनाई हुई नियम है, इस नियम को हम खुद संचालित नहीं करते, अपने आप होता है ये। तो कभी कभी क्या होता है, हम जब बात करने लगते हैं खाने खाते समय, तो अन्न का दाना अगर श्वास नली में आ जाता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए कहा जाता है भी खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, मौन रहना चाहिए। तो किस लिए कहा जाता है, देखिए ये जो यहाँ नली जो संयुक्त रूप से जहाँ मिली हुई है, ये यहाँ से अगर भोजन आते हुए इस नली में अगर कोई एक दाना अगर आ गया तो श्वास लेने में तकलीफ होगी, और तुरंत ही उसको क्या करती है, उसको उस आने अनाज के दाने को बाहर फेंक देती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इसीलिए खाना खाते समय हमें मौन रहना चाहिए और शांत भाव से खाना खाना चाहिए। तो ये तो हमने देखा अभी श्वास नली और खाद्य नली किस तरह से दोनों मुंह से लेकर नाक से लेकर हमारे फेफड़ों तक और स्टोमक तक गई हुई है। अब इससे आगे एक चित्र मैं आपसे और शेयर करूंगा आपके साथ, ये देखिए, इसमें और क्लियर दिख रहा है, एक नली नाक से जुड़ी है, एक नली मुंह से जुड़ी है, और यहाँ पर दोनों साथ होते हुए फिर आगे जाके अलग होते हुए, और ये फेफड़े और पेट के बीच में ये हमारा जो दिख रहा है, ये तनुपट है। जब हम श्वास भरते हैं तो फेफड़े फूलते हैं, फेफड़े जब फूलते हैं तो तनुपट नीचे आता है, तनुपट नीचे आता है तो पेट फूलता है।
कहते हैं ना, हम जब श्वास लेते हैं तो पेट फूलना चाहिए। तो क्यों फूलना चाहिए? जबकि हम श्वास लेंगे तो ये दोनों फेफड़े हमारे फूलेंगे। फेफड़े फूलने से ये जो तनुपट है डायफ्राम, ये डायफ्राम नीचे आएगा। डायफ्राम नीचे आएगा तो पेट फूलेगा। जब हम श्वास छोड़ेंगे तो फेफड़े क्या होंगे? सिकुड़ जाएंगे। जैसे बैलून सिकुड़ते हैं, फेफड़े सिकुड़ जाएंगे, तो ये तनुपट वापस ऊपर आएगा और पेट अंदर जाएगा। तो ये है श्वास लेने की सही टेक्निक, सही प्रक्रिया। अगर हमारा श्वास गलत आ रहा है, उल्टा आ रहा है, तो इसे पहले हमें सुधारना है। इस बात का हम बार बार कहते हैं कि श्वास लेते समय पेट फूलना है और श्वास छोड़ते समय पेट को अंदर लेकर आए। बहुत से भाई बहनों की उल्टी चलती है प्रक्रिया, तो उसको सुधारना बहुत जरूरी है। पहले श्वास हमारा सही होगा तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे, और श्वास अगर हमारा गलत होगा तो ये खांसी दमा ये सब बीमारियां उभरेगी। सभी एक एक करके सभी बीमारियां अपने शरीर में फिर दिखाई देने लगती है। एक चित्र मैं और दिखाऊं पहले, उससे आपको और थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। देखिए ये देखिए, ये हमारा जो ब्लू रंग का ऊपर का हिस्सा है, ये नाक से जुड़ा हुआ है। नीचे वाला ब्लू रंग का हिस्सा मुंह से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक होते हुए अलग, यहाँ से वापस अलग अलग होते हुए ये हमारे फेफड़े। फेफड़े देखिए किस तरह से, एक जो पेड़ होता है उल्टा, झाड़ जो होता है उल्टा कर दिया जाए उसे, जो आकृति बनती है वो तो फेफड़े की स्थिति है। तो ये हमारे फेफड़े हैं महत्वपूर्ण, हमारे श्वास के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे फेफड़े हैं। और जब श्वास लेते हैं तो ये जो देखिए अंदर जाल फैला हुआ है, यहाँ आता है हमारा श्वास। श्वास ये आने के बाद यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन आता है, और ऑक्सीजन हमारे खून के साथ मिलने के बाद कहाँ जाता है, हार्ट में चला जाता है, और खून को सफाई करने के बाद उसको हार्ट में ले जाते हैं, और हार्ट से फिर वो रक्त प्रणाली जो है, हमारे रक्त संचार प्रणाली के द्वारा शरीर के एक एक हिस्से में पहुंचा दिया जाता है। तो दोनों श्वास श्वसन क्रिया और रक्त संचार क्रिया में कितना गहरा संबंध है, इस बात को हमें समझना है। तो श्वास में तकलीफ क्यों होती है, अब इस बात को हम समझेंगे। ये तो देखिए हमारी नली है, श्वास नली। इस नली के अंदर अगर सूजन आ जाती है, नली के अंदर सूजन आ जाती है तो क्या होता है, जो नली है उसमें से जगह कम हो जाती है तो हमें श्वास लेने में तकलीफ होती है। और श्वास नली के बाहर जो मांसपेशियां हैं, बाहर की मांसपेशियों में भी सूजन आती है तो क्या होता है, मांसपेशियां अगर सूजन आती है तो नली के ऊपर प्रेशर पड़ता है और नली चिपक जाती है। नली चिपकने से हमें श्वास लेने में तकलीफ होती है। जिस तरह देखिए एक मैदान में पानी का पाइप है, उसमें से पानी जा रहा है और उसके ऊपर अगर हम खड़े हो जाएं, पानी के ऊपर रबड़ का पाइप है उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे तो पानी जाएगा क्या? रुक जाएगा। इसी तरह जब हमारी मांसपेशियां में सूजन आती है तो वो नली जो है चिपक जाती है। नली चिपकने से श्वास में तकलीफ होगी, श्वास अंदर सही तरीके से नहीं जा पाएगा। तो इस चीज को हमें समझना है कि हमारी इस जो नली के अंदर सूजन नहीं आए, और बाहर जो मांसपेशियां हैं उसमें भी हमें सूजन से बचना है। तो इस चीज को हमें समझे, खांसी आए या कुछ सांस में तकलीफ हो तो तुरंत उसके लिए हमें इलाज या उपचार करना चाहिए। एक चीज मैं आपसे और शेयर करूं, एक फोटो एक और दिखाऊं आपको अभी। ये देखिए एक बहन जी ने कहा, अभी हम जब दमा होता है तो हम इनहेलर लेते हैं, इनहेलर लेते हैं तो ये देखिए नली जो इधर तो नली दिख रही है, ये यहाँ से श्वास अंदर तक आता है फेफड़ों में और फेफड़ों में फैलता है। और इनहेलर का काम क्या है कि जो हमारे श्वास नली में रुकावट आती है, उस रुकावट को क्लियर करने के लिए इनहेलर आजकल बहुत ज्यादा उपयोग में लिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी इनहेलर का यूज कर रहे हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप एक बार इनहेलर लेंगे तो कुछ क्षणों के लिए आपको राहत मिल जाएगी, एक बार आपकी नली साफ हो जाएगी और राहत महसूस होगी, लेकिन और फिर से वापस प्रॉब्लम देनी ही देनी है। और कहते हैं रोज रोज अगर इनहेलर लेते हैं तो उसकी हमें हैबिट भी हो जाती है, आदत लग जाती है। तो इनहेलर
जब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो लेना जरूरी भी हो सकता है, तो इनहेलर लेते हुए हमें अन्य क्या उपचार कर सकते हैं जिससे हमारे इनहेलर लेने की जरूरत हमारी धीरे धीरे कम हो जाए, छूट जाए। तो इसके लिए हमें बहुत से प्रयोग बताए गए, प्राणायाम, आसन, मुद्रा आदि में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हमने तो ये तो जान लिया, अभी दमे का रोग जो श्वास का रोग है और ये फेफड़ों से बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं इससे। और आजकल पूरी दुनिया में करीब करीब 30 करोड़, कितने 30 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। 30 करोड़, एक बहुत बड़े बड़ी आबादी इससे प्रभावित है आजकल। ज्यादा प्रभावित होने के कारण क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। और इससे श्वास नली में सूजन या ब्रोंकाइटिस के नाम से जाना जाता है, और प्रति वर्ष लाखों लोग इस बीमारी के कारण मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। लाखों लोग की मृत्यु इस बीमारी के कारण होती है। तो मुख्य कारण इसका, जो अभी जो बीमारी ज्यादा देखने में आ रही है, इसके लिए सबसे बड़ी जो कि हम बच्चों को बहुत ज्यादा प्यारा है, वो मुख्य कारण है प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड। आजकल बच्चे प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, घरों में क्या, पार्टियों में क्या, जहां भी जाते हैं फास्ट फूड प्रोसेस्ड फूड यही सभी। घरों में भी आजकल प्रोसेस्ड बनाने का झंझट नहीं, बस पैक मिलता है बाजार में, लेके आ जाते हैं। हम महिलाओं भी, उनको भी सोचते हैं बहुत आराम है, काम करना कम करना पड़ता है। लेकिन आगे चल के वो प्रोसेस्ड फूड हमें इस तरह की बीमारियों को आमंत्रण देता है। तो प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, नमक ज्यादा खाना, ड्राई फ्रूट ज्यादा खाना, ये सब चीजें इसके कारण है। तो इससे हमें बचना है, इससे परहेज करना है। और आजकल तो बच्चों को जब हम कहते हैं, क्या बच्चे को क्या बोलेंगे, खुद ही खाते हैं हम लोग, तो खुद अगर खाते हैं तो बच्चों को कैसे मना करेंगे। तो पहले हमें क्या करना होगा, खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। कहते हैं ना, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, इनसे हमें छुटकारा पाना है। मैदे का सेवन कम करना है, मैदा, चिकनाई, ये खाली एक दमे के लिए नहीं, हर बीमारी के लिए, हर बीमारी के लिए ये सब चीजें हानिकारक है। इसे हम जानते भी हैं फिर भी छूटता नहीं है। कारण स्वाद, स्वाद जो है, आज स्वाद के इतने वशीभूत हो गए हैं कि हम चाह के भी नहीं छोड़ सकते हैं। जानते हैं भाई ये अच्छा नहीं है, फिर भी जब सामने आता है तो रुक नहीं सकते, खा लेते हैं। और खाते भी दबा दबा के खाते हैं। जितना हम रोटी खा, सादी रोटी खाएंगे, आटे की रोटी खाएंगे, प्रोसेस्ड फूड अगर हमें जंक फूड कुछ मिलता है, या कुछ जैसे मैगी वगैरह है, और भी बहुत सी चीजें हैं, समोसा, कचौड़ी पकौड़ी, तो हम खाना भी डबल खा लेते हैं, ध्यान भी नहीं रहता है। और आगे चल के कितना नुकसान होता है हम बाद में पता चलता है हमें, खाने के बाद एसिडिटी होना और होना, ये सब सामान्य बात हो जाती है। तो इसका कारण क्या है, ये हमें जाना भी, हमारा खान पान ही मुख्य कारण है इसका। दूसरा जैसे बताया पॉल्यूशन, ये भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है। हमें शुद्ध वायु जहां मिलती है वहां रहना चाहिए। सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठकर अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं या योगाभ्यास करते हैं और मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो हमें शुद्ध हवा मिलती है और उससे भी हमें बहुत राहत मिलती है। तो हमें इस सब चीजों का ध्यान रखना है। अब इसके सावधानियां क्या है, ये हमने बता दी, कारण बता दिया। अब बात करेंगे उपचार की। अगर हमें श्वास रोग नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर है थोड़ी बहुत भी, तो उससे हम स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग से ही अगर ध्यान देंगे तो आगे बढ़ेगी नहीं। और अगर बहुत मात्रा में अगर हो गया है तो उसे भी हम धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा उसे कम कर सकते हैं। और हमारा जो ये दम अस्थमा की जो अटैक बोलते हैं उसको अब धीरे धीरे कम कर सकते हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा भी हमारे बिल्कुल एक दिन में ठीक हो जाएगा या 5 दिन में ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा। अगर ये ज्यादा बढ़ गया है तो उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और हमारा जो ये जो बीमारी है उसको नियंत्रित कैसे करें, इसके लिए कुछ प्रयोग अब अभी हम बात करेंगे, क्या किया जा सकता है इसके लिए। तो इसके लिए कहा जाता है कि भाई
इलाज आज एलोपैथी में कहते हैं इसका इलाज संभव नहीं है, लेते रहो पंप, एक बार पंप लोगे आराम आ जाएगा, वापस आना ही है। और ऐसा भी कहते हैं अगर दमा अगर आ गया तो दम के साथ ही जाता है, ऐसी कहावत भी आगे बुजुर्ग लोग हमें कहते थे, सुनते थे, दमा दम के साथ ही निकल जाता है। तो ऐसा आयुर्वेद भी इस बात को नहीं मानता है और योग भी नहीं मानता, बीमारी का इलाज संभव है अगर हम थोड़ी सी जागरूकता रखें। तो जैसा कि मैंने बताया, प्राणायाम और योग ये दो तो मुख्य इलाज इसमें है हमारे साथ। इसके साथ में मुद्राओं का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, कुछ मुद्राएं ऐसी है जिससे हम दमे के इलाज दमे को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फेफड़े की क्रिया, कारण ये हमारी बीमारी फेफड़ों से जुड़ी हुई है, तो हम जब योगिक क्रिया करते हैं तो फेफड़ों की क्रिया करते हैं, ये फेफड़ों की और गर्दन की क्रिया भी इसमें लाभदायक हो सकती है। कारण जब हम गर्दन की क्रिया करते हैं तो क्या होता है, हम गर्दन को ऊपर ले जाते हैं तो हमारे श्वास नली में खाद्य नली में भी खींचाव आता है, तो वो हमारे फेफड़ों के लिए भी फायदेमंद है और गर्दन के लिए भी फायदेमंद है, दोनों के लिए फायदेमंद होती है। तो गर्दन की क्रिया और फेफड़ों की क्रिया ये भी बहुत बढ़िया प्रयोग है। मुद्राओं में तीन मुद्राएं बताई गई, सूर्य मुद्रा, शिवलिंग मुद्रा और आचार्य मुद्रा। तीनों मुद्राओं के बारे में हम बात करेंगे और प्रयोग भी बताएंगे कैसे करना चाहिए। और रंगों का जो ध्यान करते हैं, इसमें रंगों का ध्यान भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रंग इसमें कौन सा रंग बताया गया है, नारंगी रंग। नारंगी रंग ऑरेंज कलर फेफड़ों के लिए लाभदायक होता है, तो नारंगी रंग का पानी, हम पानी भी बनाते हैं, तेल भी बना के रंग चिकित्सा में हम उपयोग में लेते हैं। तो हम जब लोकार मंत्र के जब अपन ध्यान करते हैं तो नारंगी रंग का ध्यान हम करते हैं, कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम नारंगी रंग का ध्यान करते हैं और मंत्र होता है हमारा नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। तो हम पूरा नौकार मंत्र अगर नहीं करते हैं, खाली ये है कि खाली मंत्र ले लिए, हम दूसरा जो पद है नमो सिद्धाणम दर्शन केंद्र और नारंगी रंग का ध्यान करते हुए, तो ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। कारण नारंगी रंग का ध्यान, और आप कल्पना कीजिए नारंगी रंग हमारे पूरे शरीर में फैल रहा है, पूरे शरीर के अंदर जा रहा है, नारंगी रंग का ध्यान, नमो सिद्धाणम का मंत्र, ये रंग चिकित्सा के साथ जुड़ा हुआ है और इसके साथ मंत्र भी जुड़ा हुआ है नमो सिद्धाणम। तो हम एक मिनट पहले ये प्रयोग कर ले, सीधे बैठिए, फिर हम आगे बात करेंगे ना, तो सीधे बैठते हुए चित्त को दर्शन के अंदर पर केंद्रित करें, श्वास मन, और वहां पर दर्शन के अंदर पर उगते हुए सूर्य के समान नारंगी रंग का, ऑरेंज रंग का ध्यान करते हुए नमो सिद्धा, नमो सिद्धा, नमो सिद्धा, नमो सिद्धा, नमो सिद्धा, नमो सिद्धाणम का मंत्र और केंद्र हमारा दर्शन केंद्र, वहां पर नारंगी रंग का ध्यान, नमो सिद्धा, नमो सिद्धा। अब मंत्र का उच्चारण आप मन ही मन करें, मानसिक बिल्कुल तल्लीनता के साथ, अनुभव करें शरीर के चारों ओर नारंगी रंग के परमाणु फैले हुए हैं,
शरीर के चारों ओर नारंगी रंग के परमाणु फैले हुए हैं। प्रत्येक श्वास के साथ नारंगी रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और फेफड़ों तक जा रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ नारंगी रंग के परमाणु शरीर में प्रविष्ट हो रहे हैं और पूरे फेफड़ों तक फैल रहे हैं और वापस श्वास छोड़ते समय अनुभव कीजिए फेफड़ों से सारी गंदगी बाहर निकल रही है। फेफड़े बिल्कुल साफ हो रहे हैं। श्वास भरते समय नारंगी रंग के परमाणु शरीर के अंदर आ रहे हैं और श्वास छोड़ते समय फेफड़ों के अंदर की गंदगी पूरी बाहर जा रही है। हमारे फेफड़े क्लीन हो रहे हैं, क्लींज हो रहे हैं। रिलैक्स। तो इस तरह से हम नारंगी रंग का ध्यान करते हुए फेफड़ों की शुद्धि, आप ऑटो सजेशन दे रहे हैं ना, जो कहते हो बात वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है और ये अनुप्रेक्ष्या का प्रयोग भी बहुत काम का है, होता है। जैसा सजेशन हम देते हैं हमारे शरीर के अंदर वैसा ही परिवर्तन होने लगता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो देखिए कितना एक सुंदर हमें प्रेक्षा ध्यान पद्धति के अंदर कर कितने प्रयोग बताए गए, एक-एक प्रयोग कितने महत्वपूर्ण, कितने प्रभावशाली है हम सब जानते हैं। तो जैसा सजेशन हम देते हैं हमारे शरीर के अंदर वैसा ही परिवर्तन होता है और नारंगी रंग का ध्यान हमारे फेफड़ों के लिए, दमा रोग के लिए बहुत ही बढ़िया। तो इसका भी हमने अभी छोटा सा प्रयोग किया, इसको आप कम से कम 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट करें। अभी तो हमारे पास समय कम है तो 5 मिनट नहीं कर सकते, तो मैंने 1 मिनट आपको बताया। तो इस क्रिया को, इस अभ्यास को आप 5 मिनट तक आराम से कर सकते हो और कभी भी ध्यान कभी भी किया जा सकता है। सुबह ऐसा नहीं है भी सुबह करना है, दोपहर करना है, शाम को करना है, कभी भी कर सकते हैं। तो ये नारंगी रंग का ध्यान जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसमें एक मंत्र बताया गया है, रिम, फेफड़ों के लिए रिम रिम। इससे हमारे देखिए फेफड़े इफेक्टिव होते हैं। रिम, HRI, और RI नहीं, HR पहले है, ह और र संयुक्त है तो कैसे बोलेंगे, रिम रिम रिम। ये मंत्र बहुत ज्यादा प्रभाव करता है हमारे फेफड़ों में। तो इसका भी हम उच्चारण कंटिन्यू कंटिन्यू 1 मिनट तक, 2 मिनट तक बिल्कुल ध्यान मग्न होते हुए रिम मंत्र का उच्चारण और साथ में फेफड़ों में हम ध्यान लगाते हुए नारंगी रंग का ध्यान करते हुए कर सकते हैं रिम बीज मंत्र का ध्यान। तो ये हमारा एक मंत्र भी है जो इसमें बहुत अच्छा काम आता है। तो अभी हमने बात की मंत्रों की और रंग के ध्यान की, अब मैंने जैसे बताया फेफड़ों की क्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, गले और फेफड़ों की क्रिया। तो फेफड़ों की क्रिया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सारी क्रिया है और हर क्रिया इसमें फायदेमंद हो सकती है। तो फेफड़ों की क्रिया करने से पहले हम गर्दन की क्रिया भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो गर्दन की क्रिया कैसे करते हैं, श्वास भरते हुए पहले सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए जब हम इस तरह गर्दन को ऊपर ले जाते हुए यहाँ खिंचाव देते हैं, यहाँ पे खिंचाव आएगा और धीरे धीरे वापस ले आते हैं श्वास छोड़ते हुए। आप अगर नीचे नहीं झुका सकते हो तो केवल गर्दन को ऊपर लाना, सीधी करना, ये भी इतना भी काफी है। और नीचे अगर झुका सकते हो तो श्वास छोड़ते हुए वापस छुट्टी को कंठ कुप में लगाना और धीरे धीरे वापस आना। तो ये प्रयोग तो हम रेगुलर करते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, गर्दन के लिए भी फायदेमंद है। तो इससे हमारे श्वास नली के अंदर भी खिंचाव आता है, श्वास नली के अंदर खिंचाव आने से
वहां कुछ अगर कुछ वहां जमा है तो वो वहां से निकल जाता है। तो इस क्रिया का अभ्यास भी हम कर सकते हैं। उसमें जैसे हम इस तरह से करते हैं तो भी श्वास नली में ट्विस्ट आता है। इस तरह मेरुदंड की क्रिया करते हैं तो मेरुदंड में ट्विस्ट आता है। तो इस क्रिया से हमारे श्वास नली और खाद्य नली में ट्विस्ट आता है। तो ये श्वास नली को अंदर से क्लीन करने का काम भी करती है। तो ये गर्दन की क्रिया तो हम कर ही सकते हैं। गर्दन के लिए भी फायदेमंद है और इससे बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे फायदे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हम बाकी चर्चा नहीं करेंगे। आज हमारा टॉपिक है दमा या श्वास रोग। तो इसके लिए हम फेफड़ों की क्रिया में विशेष रूप से ध्यान देंगे। फेफड़ों की क्रिया, हमारा फेफड़ों की कैपेसिटी 5 से 6 लीटर बताई गई ऑक्सीजन हवा लेने की। और हम यूज करते हैं 1 लीटर, 1.25 लीटर, 1.5 लीटर। तो फेफड़ों की क्रियाओं के द्वारा हम अपने फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। फेफड़ों के अंदर की सफाई होती है, गंदगी बाहर निकलती है और हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। कितने फायदे होते हैं देखिए, एक क्रिया करने से कितने फायदे होते हैं। तो फेफड़ों की क्रिया सबसे पहली क्रिया में क्या करेंगे, इस तरह से दोनों हथेलियों इस तरह से रखते हुए, कोहनियों को कंधों के बराबर लेते हुए, श्वास भरते हुए कोहनियों को पीछे ले जाएंगे, सीने को बाहर लाते हुए। हमारे फेफड़े एक्सपांड हो रहे हैं, इसमें देखिए फेफड़े फूल रहे हैं। वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, बहुत बढ़िया। जिनके वीडियो ऑफ है कृपया वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। आप लोग सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और दिखाई देना चाहिए। तो ये क्रिया बहुत ही सिंपल है और आसानी से की भी जा सकती है। इस तरह से कोहनिया हमारी बिल्कुल कंधे के बराबर है और इस तरह से हम फेफड़ा, जब ये इस तरह से ले जाते हैं कोहनिया पीछे, सीना बाहर आता है, फेफड़ा हमारा फूलता है और धीरे धीरे जब हम श्वास छोड़ते हैं फेफड़ा वापस सिकुड़ता है। ये फेफड़ों को एक्सपांड करने के और संकुचित करने की क्रिया है। इस तरह से अब इसको हम थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं। फास्ट में क्या करना है, धीरे धीरे जाना है, फोर्स के साथ आना है। धीरे धीरे जाएंगे श्वास भरते हुए और फोर्स के साथ, तो इसमें क्लींजिंग हमारी और ज्यादा होगी। धीरे धीरे जाइए, फोर्स के साथ आइए, धीरे धीरे जाइए और फोर्स के साथ। पूरा ध्यान हमारा फेफड़ों पर रहना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी जिनका वीडियो ऑन है मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो ये हो गई पहली क्रिया। इसमें हम दो प्रकार से, पहले धीमी गति से, दूसरी गति हमने थोड़ा सा तेज गति से। दूसरा है इस तरह से दोनों हाथों को सामने लेते हुए किसी चीज को जैसे पकड़ कर अपन खींचते हैं, ऐसे खींचना है और सीना बिल्कुल बाहर आ जाएगा। वापस श्वास छोड़ते हुए, स्प्रिंग लगी हुई वस्तु जब खींचते हैं ताकत लगती है। इसी तरह से आप सोचिए, जिस वस्तु को आप खींच रहे हो, कोई स्प्रिंग वाली वस्तु है और उसको ताकत लगाते हुए खींच रहे हैं। इस क्रिया को भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहले हमने केवल खींचा, दूसरी बार में खींचेंगे और फोर्स के साथ थ्रो करेंगे। खींचिए और जोर से छोड़िए, श्वास को छोड़ते हुए फोर्स के साथ। सुचेता जी बहुत बढ़िया कर रही है, अब्दुल्ला जी बहुत बढ़िया, कोमल जी, राकेश जी बहुत बढ़िया, अशोक भैया, सुनील भैया, जिनके वीडियो है मैं देख रहा हूँ बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। वीडियो जिनके ऑफ है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये हो गई हमारी दूसरी क्रिया। एक क्रिया हम और कर सकते हैं, इस तरह से दोनों हाथों को रखते हुए इस तरह से रखिए, दरवाजा खोलना बंद करना। जब दरवाजा खुलता है सीना आगे आएगा, दरवाजा शटअप, सीना अंदर। श्वास भरते हुए फाटक खोलना, श्वास छोड़ते हुए दरवाजा बंद करना। समझ में आ रहा है, श्वास भरते हुए दरवाजा खोलना, ध्यान हमारा फेफड़ों पर रहना चाहिए।
तो ये फेफड़ों की जो एक्सरसाइज है बहुत ही सिंपल है, आसानी से की जा सकती है। एक प्रयोग में हमेशा बताता हूँ, फूक टेक्निक, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फूक टेक्निक, 3 बार में श्वास लेना, 2 फूक मारते हुए श्वास को बाहर निकालना। सुचेता जी आप कर रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन पे ले रहा हूँ 1 मिनट। यस वेरी गुड। नाक से लेता लेना, मुंह से श्वास छोड़ना। 3 बार में भरिए, 2 फूंक मारिए। कल्पना कीजिए आपके सामने बहुत सारी मोमबत्तियां हैं और उन मोमबत्तियों को 2 फूंक में बुझाना। वेरी गुड। तो ये कुछ क्रियाएं, अभी हमने फेफड़ों की क्रियाओं के बारे में जाना, तो फेफड़ों की क्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट हम अभी बात करेंगे मुद्राओं के बारे में। मुद्रा भी इसमें कुछ मुद्राएं बताई गई है, उन मुद्राओं से भी हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं और दमा रोग में फायदेमंद होते हैं। तो विशेष रूप से इसमें 3 मुद्रा ज्यादा उपयोगी बताई गई। कौन सी कौन सी? सूर्य मुद्रा, शिवलिंग मुद्रा और आचार्य मुद्रा। शिवलिंग मुद्रा, शिवलिंग मुद्रा सबसे बढ़िया। शिवलिंग मुद्रा में क्या करना होता है, इस तरह से अंगुलियों को साते हुए ये मुद्रा बनती है, शिवलिंग मुद्रा। एक अंगूठा ऊपर है, तो इसमें ध्यान रखना है, आप अगर दाहिने हाथ से सारे काम करते हो, राइट हैंड यूज होता है, तो हमारा बाएं हाथ का अंगूठा ऊपर रखना है। बाएं हाथ का अंगूठा इस तरह से ऊपर रहेगा, और अगर आप लेफ्टी हो तो दाहिने हाथ के अंगूठे को ऊपर रखना, ऑपोजिट। समझ में आ गया? शिवलिंग मुद्रा, इससे हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। पहली मुद्रा शिवलिंग मुद्रा, दूसरी है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा देखिए बहुत काम की है और इससे बहुत सारे फायदे हैं, मोटापा कम करने में और में भी बहुत बढ़िया बताया गया है, बहुत सारे फायदे हैं। तो जो अभी शिवलिंग मुद्रा की बात की, तो इस मुद्रा को तो दमा रोग नाशक मुद्रा भी कहा जाता है, दमा रोग नाशक मुद्रा। दूसरा जो सूर्य मुद्रा में इस तरह से ये लगती है हमारी सूर्य मुद्रा। एक चित्र शायद मेरे पास इसमें अगर है तो मैं आपको बता दूं। एक मिनट, देख रहा हूं, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये सूर्य मुद्रा है। देखिए किस तरह से लगी हुई है। अनामिका अंगुली को मोड़कर, अग्रभाग को अंगूठे के मूल में लगाकर अंगूठे से दबाना और कम से कम 15 मिनट तक इसको लगा के रखना है। मोटापा, लीवर प्रॉब्लम के लिए सूर्य मुद्रा। अन्य लाभ है सर्दी जुकाम, कब्ज, मानसिक आदि भी लाभ होता है। तो 2 मुद्राओं के बारे में जाना। तीसरी मुद्रा है जो हम 5 जो मुद्रा करते हैं, परमेष्टी मुद्रा, उसमें एक आती है, आता है आचार्य मुद्रा। तो आचार्य मुद्रा में भी जो पहला होता है हमारा नमो अरिहंताणम, ये होता है नमो सिद्धाणम, ऊपर ले जाते हुए करते हैं नमो आयरियाणम। इसमें ये जो हमने फेफड़ों की क्रिया की वही प्रयोग आ जाता है, नमो आयरियाणम। इस तरह से सीना बाहर लाते हुए ये मुद्रा आचार्य मुद्रा कहलाती है। तो ये आचार्य मुद्रा भी हमारे फेफड़ों के लिए बहुत काम की है। तो ये तीनों मुद्राएं हमने अभी बात की, 3 मुद्राओं के बारे में। अब हम बात करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है दमा रोग में, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। प्राणायाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और प्राणायाम से है हमारे श्वास की क्रिया, जितनी भी श्वास के संबंधित बीमारी है उसके लिए, और
ध्यान के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, श्वास पे नियंत्रण हो ध्यान करने के लिए तीन बातें बताई गई, तो उसमें आता है श्वास पे नियंत्रण। श्वास पे नियंत्रण हम कैसे करेंगे? प्राणायाम के द्वारा ही करते हैं। तो इसमें प्राणायाम में मुख्यतः चार प्राणायाम बताए गए, जिसमें भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति और उज्जायी। ये फेफड़ों के लिए बढ़िया है, दमा रोग के लिए बहुत ही बढ़िया है। भस्त्रिका करते हैं हम, उसमें तेज गति से करते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें हमें गति का थोड़ा ध्यान रखना है। जो दमे के भी पेशेंट है उनको ज्यादा तेज नहीं करना, थोड़ा धीमी गति से, और कम से कम 5 मिनट भस्त्रिका। तो भस्त्रिका कैसे करेंगे? तेज गति से हम श्वास को खींचते हैं और छोड़ते हैं। मैं सच्चेदा जी को स्क्रीन पे ले रहा हूं, भस्त्रिका प्राणायाम। यस, भस्त्रिका अच्छा पूरा श्वास भरते हुए, फिर सीने को खुलाना, फेफड़ों को खुलाते हुए और फेफड़ों को संकुचित करते हुए श्वास को पूरा बाहर छोड़ना। इसको हम हाथों के एक्शन के साथ भी करते हैं। ये गर्मी पैदा करने वाला प्रयोग है। मैं सभी की अभी बहुत बढ़िया, सभी मैं सभी को स्क्रीन पे ले रहा हूं। 1 मिनट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है हमारे दमा रोग में। नियमित अभ्यास करना है, 5 मिनट, 1 मिनट से शुरू करेंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक लेके आना है। बहुत बढ़िया, रिलैक्स। दूसरा बताया कपाल भाती। कपाल भाती में केवल श्वास को छोड़ना है, लेना नहीं है, अपने आप आएगा। जब आप श्वास छोड़ेंगे छोड़ेंगे तो पेट अंदर आएगा, पेट पेट अंदर आएगा, और इसमें हमारे फेफड़े भी इफेक्टिव होते हैं। कैसे लेना करना है? कपाल भाती, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना। करिए, सभी करिए साथ साथ। बहुत बढ़िया, अर्चना जी, रक्षा जी, राकेश जी, बहुत बढ़िया, सुनील भैया, रीना जी, बहुत सुंदर। रिलैक्स। तो ये हो गया हमारा कपाल भाती। कपाल भाती, कपाल भाती के बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? हमें सब पता है, पहले दाहिने स्वर को बंद करते हुए बाएं से श्वास को बाहर निकालना, फिर बाएं से भरना, दाहिने से निकालना, दाहिने से भरना। इसमें ध्यान रखना है हमें, जो दमा रोग के रोगी होते हैं उनको कुंभक एवॉइड करना चाहिए। श्वास को रोकने की जो क्रिया है वो ना करें, बिना कुंभक के करें। श्वास दाएं से भरे, बाएं से छोड़े, बाएं से भरे, दाहिने। तो हम स्टार्टिंग बाएं से करते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं, वापस दाहिने से भरते हैं, बाएं से छोड़ देते हैं। इस क्रिया को भी हमें कम से कम 15 मिनट करना है। पांच मिनट से 15 मिनट तक कपाल भाती, सॉरी आपका अनुलोम विलोम। रिलैक्स। नेक्स्ट उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम देखिए, उज्जायी प्राणायाम कंठ को स्पर्श करते हुए श्वास लेना, इस तरह सीधे बैठते हुए। आपको हल्की सी यहाँ पे जैसे रगड़ता हुआ जा रहा है तो आवाज होती है, वो आवाज सुनाई देगी। उस आवाज को सुनते हुए श्वास भरना, छोड़ना, कंठ को स्पर्श करते हुए श्वास को लेकर ना। ये एक अजब करते हैं तो हो सकता है स्टार्टिंग जिनको अभ्यास नहीं हो, खांसी भी आ सकती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है ये भी,
तो ये चार प्राणायाम अभी हमने बात की, ये प्राणायाम हमें दमे के लिए, अस्थमा के लिए बहुत ही बढ़िया है। फेफड़ों की क्रिया की बात हमने की। अब आगे हमें आसन, इसमें पीछे झुकने वाले जो आसन करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे फेफड़े जो है एक्सपांड होते हैं, तो पीछे झुकने वाले आसन जितने भी है सारे आसन किए जा सकते हैं। उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, सुप्त वज्रासन, सेतु बंधासन, भुजंगासन, धनुरासन, ये सारे आसन हम कर सकते हैं। आसन हम लेट के भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं, तीनों प्रकार से किए जाते हैं। तो कुछ आसन में जो बात अभी कर रहा हूँ ये हम करके अभी इसका अभ्यास भी बताएंगे थोड़ी थोड़ी देर, कारण ज्यादा समय हमारे पास नहीं बचा है, अभी सिर्फ 10 मिनट समय बचा है। तो उष्ट्रासन कैसे किया जाता है, घुटनों के बल, घुटनों के बल आइए, मैं सुचेता जी को स्क्रीन पे ले रहा हूँ। घुटनों के बल आते हुए इस तरह से, घुटनों के बल आते हुए पहले दाहिने हाथ को पीछे ले जाते हुए एड़ी पे रखेंगे, फिर बाएं हाथ को एड़ी पे रखते हुए अब सीने को बाहर निकालते हुए, पेट को बाहर निकालते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुका देना, गर्दन को भी बिल्कुल नीचे झुकाइए और रुकना है, इस स्थिति में रुकना है आपको, सामान्य श्वास प्रश्वास करते हुए रिलैक्स। और अर्धचंद्रासन, अर्धचंद्रासन खड़े होकर भी करते हैं और इसमें भी पीछे झुकना है, जिनसे उष्ट्रासन नहीं होता हो अर्धचंद्रासन कर सकते हैं, खड़े होकर भी किया जा सकता है ये आसन, पीछे झुकना है। सुप्त वज्रासन, वज्रासन में बैठना है, वज्रासन में बैठिए। अब कोहनियों के बल पीछे झुकते हुए कोहनियों के बल आइए पहले, अब गर्दन को पीछे मोड़ते हुए सीना बाहर निकालते हुए सिर को फर्श पे टिका दीजिए, दोनों हथेलियां जंघाओं पे स्थापित कीजिए, यह आसन सुप्त वज्रासन कहलाता है, बहुत ही बढ़िया दमा रोगियों के लिए। इससे फेफड़े हमारे एक्सपांड होते हैं, गले में खिंचाव आता है, तो ये थायराइड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। सीना बिल्कुल ऊपर लेना है, गर्दन को जितना झुका सकते हो और ज्यादा अगर झुका सकते हो तो और ज्यादा झुकाइए, वेरी गुड। ये अभी हम वज्रासन में कर रहे हैं, इसी को अगर हम पद्मासन लगा के करते हैं तो मत्स्यासन हो जाता है। पद्मासन, आप पद्मासन लगा लीजिए, अब दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए, ये मत्स्यासन। मत्स्यासन जनरली हम सर्वांगासन करने के बाद करते हैं, लेकिन आपको अगर दमे की प्रॉब्लम है आप सर्वांगासन नहीं कर सकते हो तो केवल मत्स्यासन भी किया जा सकता है। अब जो पद्मासन नहीं लगा सकते, जिनको पद्मासन लगाने में तकलीफ होती है, तो पैरों को सीधा रखते हुए भी इस आसन को किया जा सकता है, दोनों पैर सीधे रखते हुए सीना बिल्कुल ऊपर गर्दन को मोड़िए, दोनों हथेलियां जंघाओं पर टिका लीजिए, दोनों हथेलियां जंघाओं के ऊपर, रिलैक्स रिलैक्स। सेतु बंधासन, सेतु बंधासन बहुत ही सरल है, हम हमेशा करते हैं, दोनों घुटनों से मोड़ते हुए टखनों से पकड़ते हुए भी कर सकते हैं और हथेलियां फर्श पे रखते हुए भी, श्वास भरते हुए और हथेलियों का सहारा कमर में देते हुए भी कर सकते हैं, कमर को ऊपर उठाना है, सेतु बंधासन। वेरी गुड। ये जब हम आसानी से मेरुदंड की क्रिया करते हैं उस समय भी हम करवाते हैं तो ये आसन भी बहुत ही बढ़िया। तो अभी हमने पीठ के बल लेट कर 2 दिन आसन बताए, अब पेट के बल आ जाइए, भुजंगासन। ये विशेष रूप से दमा रोगियों के लिए भुजंगासन, देखिए पेट के बल लेटे हैं, ठुड्डी फर्श से चिपकी हुई है, पैर बिल्कुल सामने, पंजों को बाहर निकाला और दोनों हथेलियां
मेट से बाहर 1 फुट का फासला, हथेलियां सीने के समानांतर, तौलिया ऊपर उठी हुई। अब नाक से श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीने तक का भाग ऊपर लेके आइए, नजरें सामने, कहाँ खिंचाव आ रहा है उसे महसूस कीजिए। अब यही रुके रुके आवाज के साथ श्वास को बाहर निकालिए, वापस श्वास भरते हुए नाभि तक का भाग ऊपर, नजरें ऊपर और ऊपर, कोशिश कीजिए आपके हाथ बिल्कुल सीधे हो जाए, नजरें ऊपर, इससे सीना हमारा एक्सपांड हो रहा है, फेफड़े एक्सपांड हो रहे हैं। वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बिल्कुल नीचे आइए। इसी क्रिया को दूसरी बार करेंगे तो हथेलियां 6 इंच की दूरी पर, तीसरी बार हथेलियां बिल्कुल सीने से सटी हुई। 3 स्टेप है इसके अंदर। श्वास भरते हुए सीने तक का भाग ऊपर, श्वास छोड़ते हुए श्वास बाहर, श्वास भरते हुए नाभि तक का भाग ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मुंह से श्वास छोड़ रहा, नीचे आते समय मुंह से श्वास छोड़, तीसरे राउंड में हथेलियां सीने से सटी हुई रहेगी। तो ये हो गया हमारा भुजंगासन। इसके साथ त्रियंग भुजंगासन भी किया जा सकता है, गर्दन को दाएं बाएं मोड़ते हुए एड़ियों को देखना। तो अभी समय हमारे पास नहीं है, हम बता देते हैं फिर भी एक बार शॉर्ट में, त्रियंग भुजंगासन ये भी बढ़िया आसन है। वेरी गुड। और अब आखिरी आसन में बात कर रहा हूं, धनुरासन, फेफड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया। पैरों में फासला रखिए और इस तरह से शरीर को धनुष की भांति बेंड करते हुए, जितना बेंड कर सकते हैं, गर्दन ऊपर, नजरें ऊपर, आसन करने के बाद बालासन में आते हुए विश्राम। शवासन या जो हम करते हैं वो भी बढ़िया है, शवासन में भी हमें विश्राम मिलता है। कायासन और शवासन एक ही प्रक्रिया करीब मिलती जुलती है। तो ये हो गए हमारे आसनों का अभ्यास अभी हमने किया। यस, तो कुछ विशेष आसन जो हमें दमा रोग में फायदेमंद हो सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की, और प्राणायाम के बारे में बताया, मुद्राओं के बारे में बताया, और इसके अलावा और भी कुछ जो प्रयोग हम कर सकते हैं, फेफड़ों की क्रियाओं का प्रयोग, और सीने और पीठ पर तिल के तेल की मालिश, ये भी एक उपचार बताया गया है आयुर्वेद में। तिल का तेल बहुत ही बढ़िया होता है, सीने पर और पीठ पर तिल का तेल की मालिश करना है। जो शराब पीने के आदि है उनको धीरे धीरे अभ्यास को छोड़ना है। और ये शराब देखिए हम जानते हैं खराब करता है, शराब खराब है, फिर भी पीने की आदत बहुत लोगों को होती है। तो ये शराब भी दमे का एक बहुत बड़ा कारण है, सिगरेट पीना और शराब पीना, इसको आपको अवॉइड करना है। धीरे धीरे आप उपवास अगर है तो छोड़िए। तो ये हमें कुछ मुख्य रूप से आज हमने दमे के रिलेटेड कुछ जानकारी जितनी हो सकी, समय हमारा संपन्न हो रहा है, जितनी हो सकी मैंने देने का प्रयास किया। तो अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप बात कर पाएंगे, अनम्यूट ऑप्शन दे दिए गए सभी को, बात कर सकते हो आप। जय जिनेंद्र सर। हाँ, पहले अशोक जी जय ने जिनेंद्र। अशोक जी पहले आप पूछ लीजिए, क्या पूछना है आपको। हाँ अशोक जी, जय जिनेंद्र। आजकल, हाँ आजकल एक चलन चल रहा है, अपन जब भी हॉस्पिटल जाते हैं, जैसे नाक कान गले का कुछ भी, सर्दी खांसी जुकाम इन्फेक्शन वैसा रहता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको एलर्जी हो रही है, और एलर्जी का टेस्टिंग कराओ तो कदाचित 10-15 हजार तक का वो बिल बना देते हैं। तो जी क्या इससे एलर्जी का भी इलाज हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, एलर्जी तो एक मुख्य कारण है ही, और इससे हम जब करते हैं तो देखिए धीरे धीरे सभी आपको अभ्यास नियमित करना है, प्राणायाम नियमित कीजिए, आपके सारी बीमारियां, खाली दमा नहीं, दमे इसके लिए और भी बहुत सारे प्राणायाम बताए गए, लेकिन हमने मुख्य रूप से 4 ही प्राणायाम बताए जो हमें दमा रोग में फायदेमंद हो सकते हैं। प्राणायाम और भी बहुत सारे हैं,
तो सर्दी जुकाम है तो उसमें सूर्य मेथी प्राणायाम भी किया जा सकता है, और भी प्राणायाम है। तो ये प्राणायाम का अभ्यास और आसन, इतने ही आसन नहीं, आसन बहुत है, लेकिन ये आसन जो हमें दमा रोग में फायदेमंद है वो आसन मैंने आपको बताया। मुद्रा भी वही मुद्रा बताई, मुद्राएं भी बहुत सारी मुद्रा है जिसमें तीन ही मुद्रा की बात मैंने की। तो इनसे हमें बहुत सारे फायदे होंगे, और कोई भी बीमारी हो उससे हमें राहत मिलेगी। मुख्य रूप से दमे की बात आज हमने की, तो दमा से संबंधित चर्चा हमारी चली है। तो आप एलर्जी की बात कर रहे हो, तो एलर्जी टेस्ट, खैर एलर्जी एक मुख्य भूमिका तो होती है, एलर्जी भी होती है कई लोगों को, टेस्ट कराने से पता चल अच्छा, जाता है, लेकिन टेस्ट कराने थोड़ा से सा उसका भी इलाज नहीं होता है। टेस्ट कराते हैं अच्छा तो क्या इलाज हो गया? क्या कोई भी टेस्ट हम कराते हैं तो टेस्ट से आपको पता चल जाएगा, चल एलर्जी टेस्ट कराने से। तो क्या जी अभी इसमें सुचेता जी आप आती है? कुछ जय बोल रहे थे। जिनेंद्र सर, बहुत सुंदर जानकारी। आजकल तो एलर्जिक अस्थमा बहुत हो गया है, हर एक छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक हो जाता है एलर्जी एलर्जी एलर्जी, जैसे अभी भैया ने भी बोला वैसे सेम वही पॉइंट बोल रही थी। बस उसके लिए बहुत सुंदर है, मुझे भी बीच में हो गया था, खांसी थी तो डॉक्टर ने बोला था कि एलर्जिक अस्थमा है, लेकिन जैसे हम प्रयोग करते कुछ भी नहीं लेना पड़ा पंखा तो बोलते ही डॉक्टर लोग। बहुत लेकिन आज बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर बढ़िया, जानकारी दी सर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। कोमल जी कुछ कहना है आपको? जय जिनेंद्र सर जी, मुझे यही कहना था कि मुझे भी पहले एलर्जी की प्रॉब्लम रहती थी, फूड एलर्जी भी थी थोड़ी बहुत, खटाई और चीजों से, और ये जो जर्म्स और नाक में जाते थे, खांसी और छींक, और जैसे गेहूं और से एलर्जी थी। तो मैं नियमित रूप से काफी टाइम से प्राणायाम योग कर रही हूँ, तो मेरी एलर्जी पूरी तरह से एकदम जीरो पे आ बिल्कुल गई थी, बिल्कुल। एलर्जी की प्राणायाम प्रॉब्लम इसीलिए बिल्कुल कहते आ हैं कि गई। प्राणायाम सब बहुत बढ़िया प्रयोग है, और प्राणायाम हमें रेगुलर करते रहना चाहिए। तो मैंने कुछ प्राणायाम तो के प्रयोग भी अभी ये बताए फायदा आपको। हाँ है। जी धन्यवाद। नेक्स्ट बोलिए, अर्चना जी बोलिए। बहुत ही सुंदर सेशन हो गया, और सब आसन वगैरह प्राणायाम बहुत अच्छा। और मुझे एक पता चाहिए, वो ऐसे करते वक्त तो श्वास लेना है क्या यस, छोड़ना, ये yes. चाहिए ये देखिए, ये शायद। मतलब इस तरह से हम, जैसे पसीना हमारा क्या होता है, इसे बाहर आता है, फेफड़े एक्सपांड होते हैं श्वास छोड़ते हुए वापस, हाँ दरवाजा खोलना बंद करना, खोलना बंद हाँ करना, ये श्वास की क्रिया साथ में चलेगी। हाँ रक्षा जी श्वास कुछ कहना है लेना है, आपको? टाइम इस टाइम लेना है, बाद में हाँ, छोड़ना है। ये देखिए, जब इसे श्वास भरेंगे फेफड़ा खुलेगा, वापस जब हाँ जाएंगे फेफड़ा संकुचित हो जाएगा। श्वास लेना, श्वास छोड़ना। थैंक यू, वेरी अच्छा, रक्षा जी बोलिए। हाँ जी थैंक यू सर, आज की क्लास बहुत अच्छी थी, और मुझे भी अस्थमा है तो मैं ये सारे आसन भी करती हूँ, प्राणायाम भी करती हूँ, इसीलिए बिल्कुल ठीक हूँ। और एलर्जी की भी प्रॉब्लम है तो वही समझ सकता है जिसको ये प्रॉब्लम होती है। तो बहुत वेरी अच्छी गुड, थी आपकी क्लास, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। आप तो खुद ट्रेनर हो, आपको पता है प्रयोग के बारे में बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को करवाती हो तो आपको तो सब चीजें जानकारी है। रीना जी ने एंड्राइज किया हुआ है। रीना जी अपने आप को, आप अनम्यूट कीजिए रीना जी। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज की जो भी सुंदर जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत आपको आभार, धन्यवाद। बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो गले की आज आपने सारी जानकारी दी है, मेरे को एक ये जल नीति के बारे में, ये एक पॉट होता बिल्कुल, है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रयोग है जल नीति का। ये प्रयोग आप, हमने पहले इसके ऊपर एक एपिसोड लिया हुआ है, तो आप भी अगर चाहें तो इसके बारे में बताना चाहें तो आप एपिसोड ले सकते हो। आप इसकी फायदे क्या है मुख्य रूप से आप बता दीजिए थोड़े शॉर्ट में। जी, बिल्कुल। तो ये आप मतलब बिल्कुल हमारा जो ENT की कोई भी प्रॉब्लम है, जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, गले नाक की कोई भी समस्या होती है, तो ये हमारा प्राकृतिक एक उपचार है। इसमें इसमें हम हल्का, बहुत एकदम हल्का गर्म पानी लेते हैं शरीर के तापमान के बराबर, और उसमें आधा चम्मच उसमें हम सेंधा नमक डालते हैं,
और फिर ये एक प्लास्टिक की है या पहले तांबे की भी आती थी, स्टील की भी आती थी, शायद हो सकता है सबके पास होगी आप लोग की, नहीं तो मार्केट में प्लास्टिक की 50 रुपए में बहुत इजीली अवेलेबल है। और बस इसमें नमक का पानी हमने लिया है, और जब हम इसको नाक से लगाते हैं, एक नाक से, तो हम दूसरी नाक से निकालते हैं, और हमें सांस जो लेनी होती है, फिर हमें मुंह से लेनी होती है। हमें जी देखिए, एक छोटा सा प्रयोग मैं दिखाती हूँ। बहुत बढ़िया। बाहर पानी निकाल दिया, अब हम इसी तरह दूसरी नॉस्ट्रिल से करेंगे। तो इसी तरह जब हम रोज इसका अभ्यास करते हैं, तो जो भी कफ और कोल्ड जो भी हमारे नाक में और उसमें पुराना जमा होता है बलगम, तो धीरे धीरे पिघल करके वो सारा हमारे बाहर निकलता रहता है, बिल्कुल हमारे बिल्कुल नल से और उससे जमा हुआ। जैसे हम कहीं की भी सफाई करते हैं, घर की, कपड़ों की, तो पानी से ही करते हैं। तो ब्रश तो हमने बचपन से सीखा है, लेकिन हमने नाक साफ करना हमने बचपन से नहीं सीखा है। तो ये अभी मैंने योग में षटक्रम में ये सीखा था, तो बिल्कुल इसके बिल्कुल बहुत रीना लाभ। जी, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल बराबर है। और षटकम के ऊपर हमारा कई बार हमारे पे एपिसोड हमने लिए हुए हैं, प्रयोग किए हुए हैं, और अच्छे से स्पेशलिस्ट ने हमें जानकारी दी। तो आप भी अगर चाहे इसके बारे में अगर सेशन लेना चाहे तो आप निश्चित रूप से आप मुझसे कभी भी आप षटकम के बारे में पूरा बताइए, आप हमें बहुत खुशी होगी। तो जरूर बहुत ही फायदेमंद है ये जरूर, प्रयोग। तो हम चलनीति का प्रयोग मैं भी करते रहता हूँ बीच बीच में, सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है और एक अचूक इलाज है, अचूक इलाज है। तो बाद में बस जो पानी बचा हुआ है, आपको एक रुमाल साफ लेकर के या टॉवेल, जी बिल्कुल, उसको सारा बाहर कर देना है। ये अपने नूडल से या डालते तो नीचे झुक दूसरे जाएंगे, नीचे झुक जाएंगे जी शांत पोज में, तो भी धीरे धीरे जो भी एक दो तो ड्रॉप कहीं भी बची हुई है वो सारी बाहर आ जाती है। एक तो एक प्यूरिन नाम का एक कण होता है भाई, सांस तो हम 24 घंटे लेते हैं, तो धीरे धीरे मतलब 24 घंटे में वो हमारे कहीं ना कहीं जाकर के लंग्स में, ब्लड में, सब जगह पूरे उसमें फैलता रहता है हमारे शरीर के अंदर। तो हम लोग को ये बहुत बढ़िया जानकारी रीना जी। जी, कल भी शायद आपसे बात हुई थी मेरी, कल हाँ जी, कल बात हुई थी आपने कल हमारी। ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए कहा था, आपने मेरा नंबर कल नोट नहीं कर पाई थी। हाँ, मैं एक्चुअली कल बाहर थी सर, मैं कल ना घर में नहीं थी अपने, तो कल क्या है कि ज्यादा ग्रुप में शामिल किए बगैर आपको क्या है कि आपका नंबर मेरे पास भी शायद नहीं है। मैंने स्क्रीनशॉट तो लिया था कल उस टाइम ना, जब चैट में नंबर आया था, तो शायद मेरे पास पड़ा होगा आपका स्क्रीनशॉट में। मैसेज कर देंगे, आपका नंबर तो मेरे पास आ जाएगा। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हो, तो नोट करके एक मैसेज कीजिए ताकि हम आपको इनवाइट कर सके अगले सेशन के लिए, और ग्रुप में भी शामिल कर लेता हूँ मैं आपको। 937 आप नंबर अगर है बहुत तो लिख बहुत लीजिए। बहुत बहुत सौभाग्य है मेरा कि आप लोगों के साथ मैं जुड़ी हूँ। थैंक नाइन यू, थैंक यू। थ्री 737-347-1831 ये नंबर है मेरा। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, जो अच्छा, भी भाई बहन ग्रुप में शामिल नहीं है आप ग्रुप में ऐड कर लेंगे उनको। और हमारे बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, उसमें से किसी भी एक ग्रुप में आपको रहना जरूरी है। सभी ग्रुप में रहने की जरूरत नहीं है, एक ग्रुप में आप रहिए तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। जी सर, जी सर, 937-347-1831 अशोक जी ने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप नंबर नोट कर सकते हो, स्क्रीन पे आ गया है। एक हाँ दूसरा पूछ रहा था सर, एक पूछ बोलिए अशोक जी, बोलिए। रहा था कि जैसे इस नाक से श्वास लेते हैं तो दूसरे से ही पानी निकल जाएगा, मुंह से श्वास लेके, या सर पे चढ़ जाएगा, या गले गली में चढ़ जाएगा, या अभ्यास के बाद में होगा। नहीं, पानी पानी कहीं नहीं चढ़ेगा इसमें, क्योंकि भगवान ने हमारे अंदर इस तरह की व्यवस्था बना रखी है कि हम देखिए रोज नहाते भी हैं, स्विमिंग पूल में भी जाते हैं, तो कितना पानी हमारे अंदर जाता है ना हमारा, तो ऐसी कोई कोई डर की बात नहीं होती है। एक बार जब आप खुद प्रैक्टिकल इसको करेंगे, अनुभव करेंगे, तब आपको उस चीज का लाभ पता लगेगा, और ये लगेगा कि बहुत हाँ, बढ़िया, इससे बिल्कुल कोई समस्या सही। देखिए थोड़ा बहुत पानी अगर अंदर नहीं। जाता है तो उसको हम वापस जब फोर्स के साथ स्विमिंग
श्वास नाक साफ करते हो निकल जाता है, जैसा नहीं है। अगर चला बिल्कुल भी गया तो नुकसान तो करने वाला है नहीं, पानी ओदर के अगर हिसाब से चला भी कानून गया निकल रहे तो उसको थे। नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन उसको हम बाद में जोर जोर से श्वास को नाक से इस तरह से टॉवल से साफ करते हैं श्वास छोड़ते हुए, तो बिल्कुल शुद्धि हो जाती है, सफाई हो जाती है। और देखिए हम श्वास लेना नाक से जरूरी होता है, आप ये चीज को ध्यान कीजिए, श्वास जब भी लें नाक से लें, छोड़ते समय मुख से छोड़ सकते हो आप, लेकिन लेना नाक से ही है, नाक से ले नाक से छोड़े बढ़िया है, और नहीं है तो आप मुंह से छोड़ सकते हो, लेकिन लेते समय मुंह से नहीं लेना, कारण मुंह से लेते हैं तो हमें जो हमारे नाक के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें श्वास को शुद्ध करती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, वो चीजें हमारे नाक के अंदर ही है मुंह में नहीं है, तो लेते समय नाक से लेना इस बात का ध्यान रखना है। अब समापन की ओर चले, दोनों हाथ जोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।